ओ दिल पे लात लगाए, ओ मेरे तू दुश्मन हो ना दुश्मन क्यों हो, ओ गुलमा क्यों ओ तूने मेरी ढोल बजा दे, ऐसे कैसे नाच नचा दे, ओ मेरे तू दुश्मन हो ना दुश्मन कैसे, तू मेरा हेलो जी, राम राम सभी को। तो आप लोग कैसे हैं? और मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी नहीं है, मुझे बार बार जुकाम हो जा रहा है। और बार बार जुकाम होने की वजह से ना शरीर में भी दर्द होता है और फिर सिर भी भारी भारी रहता है, तो कुछ काम करने का मन भी नहीं करता है। आज कई दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, और आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे फुल सपोर्ट करिए। और मैं आप लोग को सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो सबको सपोर्ट करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं सपोर्ट नहीं करूँगी। हेलो जी, राम राम सभी को। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं नहा के तैयार हो गई हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। तो इस बार का जो मेरा जुकाम है ना वो छोड़ ही नहीं रहा है। 3-4 दिन ठीक रहता है फिर जुकाम हो जाता है, 3-4 दिन ठीक रहता है फिर जुकाम हो जाता है। तो मुझे बार बार जुकाम हो रहा है, और फिर जब जुकाम होता है ना तो सिर भी भारी भारी होता है और शरीर भी दर्द होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सपोर्ट भी नहीं कर पा रही हूँ और ख़ुद का भी काम नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आलस आलस लगता है। तो आज मैं ये वाली साड़ी पहन ली हूँ, और इसका ब्लाउज जो है इस तरह का सिला हुआ है तो आप देख सकते हैं, और इसका पीछे का जो बैक नेक है देखिए तो इस तरह से है, इस तरह से है। और ये पहनने में साड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, ये कॉटन की साड़ी है और जो है इसमें बॉर्डर ही है और सब कॉटन ही है। और इसका फैब्रिक ब्लाउज का कुछ इस तरह का था, तो मैंने फ्रिल वाला बनाया है तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। इसका ये जो था ना ये कंथन नेट, तो इस नेट को अलग से लिए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो बना ही रहे हैं तो इस बार थोड़ा सा अलग से बनाएं। और आप लोग को मेरा ब्लाउज कलेक्शन अगर देखना है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर बना दूँगी। तो आप लोग बताते ही नहीं हैं, बस बोलते हैं कि आपका ब्लाउज अच्छा लगता है, ब्लाउज अच्छा लगता है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा तो मैं उसका वीडियो बना दूँगी ब्लाउज कलेक्शन का। तो चलिए अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो खाना भी बनाऊंगे। और आलू और पालक मैंने उबाल के रख लिया है, सब्जी बनानी है, चावल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी और वीडियो भी शूट करनी है, तो देखिए क्या क्या हो जाता है। और मेरा बाल अभी तक सूखा नहीं है, ये बाल तो मैंने सोचा कि अभी मैं कंघे नहीं करती हूँ, गीले बालों में मैं कंघे नहीं करती हूँ, जब सूख जाएगा ना तब कंघे कर लूँगी। तो अभी मैं इसको ना जोड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाना है तो फिर बाल इधर उधर गिरेगा जो कपड़े में चिपका रहता है, तो मैं जोड़ा बना लूँगी। और मैं जोड़ा ना देखो थोड़ा ऊपर ही बना ली हूँ, और मैं जोड़ा ऊपर नहीं बनाती हूँ, नीचे ही बनाती हूँ।